हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका संगीता नया चैनल पे। होप यू आर डूइंग वेल। और आज दिन की शुरुआत की हमने फिर से लेकवॉर्म वाटर की। बीच में मैंने अभी छोड़ दी, लेकिन फिर से स्टार्ट किया है मैंने लेकवॉर्म वाटर पीना। और इधर मैं अपनी चाय चढ़ा दी हूँ और अनाया को दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में बनाना। और अनाया देख रही है टीवी। तो सुबह शुरुआत होती है मोस्टली अनाया की फ्रूट से। और इधर मैंने इधर दूध डाल दिया है चाय में, तो चाय खोल ली है। बस हमारा हो गया है टी टाइम। बिना चाय पिए हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। और कुछ इस तरीके का व्यू है बाहर का। कल रात में यहाँ पर बारिश हुई थी, तो अच्छा सा मौसम है। और दादाजी भी आ गए, हमारे हेल्पर हैं जो तुम मुझे घेर के मिल गए। फिर मैं बैठ हो गई अंदर के लिए और चेयर पे कपड़े इसलिए डाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आता है मेरे कपड़े जाते हैं सूख। और बरसात का मौसम है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे जल्दी से। चाय छान लेते हैं और मैं हूँ अपने हस्बैंड के पास में। दो कप चाय रहेगी, एक मेरी और एक हस्बैंड की। चूँकि वो रिलैक्सेशन मूड में है, तो हमने उनको कैमरे में नहीं लिया है। हालांकि चाय उन्होंने बाद में पी नहीं, क्योंकि इनके इतने फ़ोन आ रहे थे कि भैया ये चाय पी ही नहीं पाए। और चाय बाद में मैंने ही पी, हस्बैंड तो चाय नहीं पी पाए। इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इतना बिजी काम रहता है। सो चाय वाय पीने के बाद में हम इधर आ गए किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि रात में हमने किचन नहीं साफ की थी। तो बस जल्दी जल्दी से हम प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेते हैं और किचन साफ़ कर लेते हैं। बर्नर वगैरह तो निकाल दिए थे हमने, वो दादाजी ने साफ़ कर दिए हैं जो हमारे हेल्पर आते हैं। और बस जल्दी जल्दी से गैस साफ करके खाने की तैयारी हो, क्योंकि मेरी जो भुक्कड़ बेटी है ना, ये दादाजी की चाय और बिस्किट्स है मैंने रख दिए थे। बोले थे अभी पीता हूँ करके होता है ना कि थोड़ा सा काम निपटा लें फिर पिए, तो वो वाला सीन हो गया कुछ यहाँ पे। और बस इस तरीके से कुछ मैंने मैनेज कर ली अपनी किचन। अब खाली होना तो काम करने का मन भी करता है। फिलहाल इधर मेरे भयंकर वायरल हो रखा था, लेकिन होता है ना कि जब आपको काम करने हैं तो करने हैं, फिर तबीयत पीछे हो जाती है। और फिर बच्चे के लिए होना तो बच्चा बाहर खाना ज़्यादा खाती नहीं, मेरी बेटी तो घर के लिए बनाना होता है, तो मुझे मैं खुद ही बनाती हूँ उसके लिए खाना। सो अनाया क्यों खुश हो बाबू? अच्छा खुश क्यों, इसमें क्या है? अच्छा गुड मॉर्निंग पहले तो। हाँ तो इसमें है बंद मक्खन, जिसके लिए अनाया कई दिन से रो रही थी। आज सुबह भी रोई तो चलिए आज दे देते हैं अनाया को बंद मक्खन। यहाँ तो दो बंद मक्खन आए, तो एक अनाया लेंगी और एक अभी रखा जाएगा। मैं तो नहीं खाऊंगी, दादा काम कर रहे हैं तो उन्हें दे। हाँ क्या दोनों आप खाने हैं? ये खाना है तो ये ले लो, ये थोड़ा सा इनको डार्क लग रहा है ना, जला हुआ। चलें भाई आप खुश हो? अरे यार भूल गए होंगे कट करना, बीच से तो कट है। खुश हो कि नहीं खुश हो? कि अभी भी नहीं खुश? कितना खुश हो? बहुत ज़्यादा। चलो खा लो। अच्छा अभी इससे पहले आपने क्या खाया है? बनाना खाया है फिर भी नहीं? हाँ दांत हिलाया अनाया का। ये अनाया का दांत ऑलमोस्ट टूटने वाला है। अनाया आज क्या खाओगे खाने में? आराम से मेरे बच्चे, आराम से। अभी पेन तो होगा ही ना जब टूटने वाला है। लिव दैट, बार बार नहीं छेड़ते। अनाया खाने में क्या खाएंगी आज? क्या खाना है? कल मैंने कुछ ग्रीन वेजिटेबल मंगाई थी जो आपकी फेवरेट है, भिंडी। यस, तो आज अनाया के लिए बनेगी भिंडी रोटी। खा के बताओ टेस्ट कैसा है? बेटा खा लो ऐसे ही, वो तो ऐसे बीच से कट है ना, जरूरी है कि चार पीसेस हों? हाँ उठाइए। हाँ बहुत जरूरी। बहुत जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी। बाइट इट। गरम है? अच्छा लेट इट कूल आफ्टर दैट। ओ इतना भी हॉट नहीं है बच्चे, इतना भी नहीं है यार, बिल्कुल नॉर्मल है। टेस्ट करके बता दें, ये यम्मी टेस्टी सा मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर ये बुकनू टाइप का लगा होता है। चले टेस्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं गर्म है बच्चे। कैसा है? अच्छा है, तभी तो अनाया परेशान रहती है इसके लिए, है ना? चले खा लें आप। अब देखो अब ठंडा हो गया, अभी तक तो गर्म था। सो किचन हम कर चुके हैं बिल्कुल साफ, और अभी हो गई है तैयारी कुछ खाना बनाने की। तो हम करेंगे भिंडी कट पहले, क्योंकि अनाया आज खाएंगी भिंडी। तो चले कट कर लेते हैं पहले भिंडी।
सो मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाने से पहले ये भिंडी कट करने से पहले शावर ले लेती हूँ, उसके बाद किचन काम शुरू करती हूँ। तो मैं चली शावर लेने। अनाया आप टीवी देख रहे हो? तो अनाया टीवी देखेंगी, तब तक मैं लेती हूँ शावर, उसके बाद किचन काम शुरू करेंगे। सो मैं आ चुकी हूँ शावर लग के, अब कर लेती हूँ अपनी भिंडी कट। उधर अनाया रूम मैनेज कर रही है, उनको बहुत शौक है। आया मजा करके? हाँ, ये ना मैंने ये चादर जो है बिल्कुल इसको क्रेज बना के रख दी थी, इनको चैन नहीं थी उतनी देर, 10-15 मिनट से ही इसमें उलझी हुई है, फिर से मैनेज नहीं हो रही थी। करोगे दोबारा? मैंने कल करा है। कल किया था तो जरूरी रोज बन जाए, आज ये ना उब गई है इसको करते करते। बरसात में यही प्रॉब्लम है यार, मैंने रूम खोल दिया कि फ्रेश एयर आए, तो फ्रेश एयर की जगह मक्खी आई जा रही है, बंद कर देते हैं। तुम्हें हंसी बहुत आती है इन सब चीज़ों में। डोर क्लोज ही कर देते हैं और चलिए कल कर लेते हैं भिंडी, शुरू करते हैं आज के खाने की तैयारी। जल्दी जल्दी से कट कर लेते हैं क्योंकि आज खाने में बनेगा भिंडी दाल चावल रोटी। बच्चे आते हैं तो बच्चों के मन का बनता है, तो भिंडी तो उनके पसंद की है, और केवल भिंडी तो बनेगी नहीं, तो वो बनेगा पापा के लिए दाल चावल। पापा इनके ऑफिस जा चुके हैं जल्दी ही, बस भिंडी को केयरफुली कट करना होता है कि कीड़े ना हों, इसलिए। सो भिंडियाँ हमने कट कर ली, जो एक्स्ट्रा भिंडियाँ बची उनको हमने रख दिया क्योंकि भिंडी आ गई थी थोड़ा ज़्यादा। और चले अब शुरुआत कर देते हैं खाना बनाने की। छौंक देते हैं भिंडी, फिर आटा गूंथते हैं और दाल चावल बनाते हैं। ग्रीन चिली चाहिए मुझको, ग्रीन चिली ले लेते हैं, बहुत कड़ू नहीं चाहिए वाली भाई, मैं रोज खाना यहाँ बना रही हूँ ना तो सब्जी कड़ू हो जा रही है। मैं सीजर यूज करती हूँ मिर्ची के लिए, मैं चाकू से नहीं वही कट कर पाती, मुझे डर लगता है। डाल लेते हैं मस्टर्ड ऑयल, ऑलवेज माय फेवरेट। भिंडी को हम प्याज से छौंकते हैं। लाइट चली गई इसलिए आपको लाइट कम लग रही होगी वीडियो में। फैन बंद कर दिया तो आवाज़ भी अब क्लियर आएगी और प्लस गैस भी अच्छे जलेगी। आप लोगों ने आज क्या बनाया? कर लेते हैं प्याज और ग्रीन चिली को। अब तक इधर हम इसमें डाल लेते हैं सारे मसाले। मसाले हमने इसमें बांध के रख दिए थे, डाल लेते हैं थोड़े थोड़े से। टाइट मैंने नॉट लगा दी। कोरिएंडर पाउडर, हल्दी,
थोड़ा सा गरम मसाला, ये अच्छा लग रहा है मुझे, गरम मसाले से थोड़ा सा डालूँ भिंडी को। ऐसे भिंडी में लोग डालते भी कम है, लाइट डाले। सो आज का ब्लॉग हो रहा है बहुत ही लंबा, बाकी का ब्लॉग पार्ट आप देखेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग लाइक वाइज। बाय बाय एवरीवन।